जिसके नौवें घर में सिक्स राशि यानी कि कन्या राशि पड़ी है उसको अंगूर के रस से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। जिसके नौवें घर में तुला राशि यानी कि सातवीं राशि सेवन नंबर पड़ा हुआ है उसे गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। जिसके नौवें भाव में नाइन्थ हाउस में जिसके में वृश्चिक राशि यानी कि आठ नंबर पड़ा हुआ है उसे शहद में सफ़ेद काले तिल डालकर अभिषेक करना चाहिए। जिसके नौवें भाव में यानी कि नाइन्थ हाउस में नौवीं राशि यानी कि धनु राशि पड़ी है उसे जल में केशर डाल के यानी कि केशर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। जिसके नाइन्थ हाउस में दसवीं राशि यानी कि मकर राशि दस नंबर पड़ा हुआ है उसको बादाम के तेल से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। जिसके नौवें घर में ग्यारहवीं राशि यानी कि कुंभ राशि पड़ी हुई है ग्यारह नंबर पड़ा हुआ है उसे जल में थोड़ी सी काली मिर्च के दाने या काली मिर्च पीस के डाल के अभिषेक करना चाहिए। जिसके नौवें घर में बारहवीं राशि यानी कि बारह नंबर पड़ा है यानी कि मीन राशि पड़ी है उसे जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके भाग्य में बहुत बढ़ोतरी होगी और आपको कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा।